तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 6-10 तथा 16-18 तक। जो काम नहीं करना चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। भाइयों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहें जो काम नहीं करते और उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई है। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप ये स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार न बन जाएं। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुसरण कर सकें। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। शांति का प्रभु स्वयं आप लोगों को हर समय और हर प्रकार शांति प्रदान करता रहे। प्रभु आप सबों के साथ हो। मैं पौलुस अपने हाथ से यह नमस्कार लिख देता हूँ। यह मेरे सब पत्रों की पहचान है, यह मेरी लिखावट है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, धन हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। अनुवाक्य, धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य, धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य, धन्य हो तुम जो प्रभु पर भरोसा रखते हो। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य, हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। अनुवाक्य, हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 27-32। यीशु ने कहा, ए डोंगी स्त्री और फरीसियो, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पूती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती हैं किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई हैं। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो किंतु अंदर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ये ढोंगी स्त्री और फरीसियो, धिक्कार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्मों के सम्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों की हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।